जो लास्ट वाला सबसे गंदा है ना, वो मैं बताता हूँ कि मतलब मैंने खुद झेला है ये, कि मेरे साथ खुद बहुत ही गंदा हुआ है। लाइक 2 से 3 बार हुआ है ऐसा। ये जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये HCL का बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है मेरे साथ, कि ये होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक कुमार और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेरे 1 साल के एक्सपीरियंस के बारे में, 1 साल के HCL के सर्विस डेस्क के एक्सपीरियंस के बारे में। इसमें मैं आपसे बात करूँगा बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में और बहुत सारे बैड थिंग्स के बारे में भी। तो दोनों चीज़ें जो मैं बोलने वाला हूँ, वो पूरा मेरा जो एक्सपीरियंस है 1 साल का, उसको समझ के ही बोलने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, ताकि आपको मतलब सारा जो भी है ज्वाइन करने से पहले ही पता चल जाए कि 1 साल के बाद भी क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। आपसे मैं यही शेयर करने वाला हूँ, ये चीजें बहुत ही जरूरी है। ये सारी चीजें जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही जरूरी है आपको HCL या फिर कोई भी सर्विस डेस्क ज्वाइन करने से पहले। देखो अंदर क्या होता है ना, ये जानना बहुत ही जरूरी है, और ये मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को देखो और जितना हो सके उतना फैला दो। और एक चीज और करना पड़ेगा आपको, इसका लाइक करना पड़ेगा, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस जो है ना वो मैं डालते रहता हूँ, इंटरव्यू वगैरह भी कंडक्ट करता हूँ। आप लोगों में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है प्रैक्टिस इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो डायरेक्ट। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है और अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हो आप। ठीक है, आप करो, आप मैं इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ, आप मेरे वीडियोज देख सकते हो इंटरव्यू वाले। ठीक है, तो बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहले बात करता हूँ मैं बेनिफिट्स के बारे में, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप HCL ज्वाइन करते हो एज अ सर्विस डेस्क या फिर कोई भी प्रोफाइल के लिए। बट मैं जो पर्टिकुलर बात करने वाला हूँ वो सिर्फ सर्विस डेस्क के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला तो HCL की ब्रांडिंग, जो पहला बेनिफिट है वो है HCL की ब्रांडिंग मिलेगी। अगर आपको HCL की ब्रांडिंग मिलेगी, आप अगर स्विच करते हो दूसरे जगह कहीं पे भी 1 साल के बाद, मिनिमम 1 साल तो करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं भी स्विच करते हो, देन यू विल गेट अ ब्रिलियंट सैलरी बिकॉज यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ HCL। सो दैट्स वाई। सो HCL का ब्रांड बहुत अच्छा है। अगर आप बाहर जाते हो तो आपको अच्छा खासा पैकेज भी मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। ठीक है, तो पहला जो बेनिफिट है ना वो यही है HCL की ब्रांडिंग। दूसरे बेनिफिट की बात करें तो बहुत ही जरूरी है, आप लोगों को सबको पता है कि बहुत सारी कंपनीज है, चाहे वो अमेजोन हो या बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो ले ऑफ में जो भी बंदे को निकाल रहे हैं, एकदम मतलब भर भर के बंदे को निकाल रहे हैं। इसमें ना ये प्रॉब्लम ही नहीं है HCL में। HCL और TCS जो है ना, ये कभी भी बंदे को निकालती नहीं। ठीक है, सर्विस डेस्क में तो भाई कभी नहीं निकालेगी, टर्मिनेट करती ही नहीं है। तो ये एक एश्योरिटी है गवर्नमेंट जॉब के जैसा कि नहीं निकालेगी भाई। अब आपने कुछ कांड ही कर दिया तो भी चाहे HCL हो चाहे कोई भी हो, वो तो निकालेगी, और निकालेगी तो सही, मतलब ऐसा कर देगी कभी आप ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे। तो वो वैसा कुछ मत करना। अगर वैसा कुछ नहीं करते हो, अगर आपका परफॉर्मेंस भी बैड है, वीक है, तो वो आपको दूसरे प्रोसेस में डाल देंगे, बट आपको जॉब से नहीं निकालेंगे। ये मैं श्योर हूँ इस बात पे, इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने मतलब मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जिनको प्रोसेस चेंज किया गया है लेकिन जॉब से नहीं निकाला है। ठीक है, आपको बेंच पे डाल देंगे, बेंच पे डाल के दूसरे प्रोजेक्ट में डाल देंगे, बट आपको जॉब से नहीं निकालेंगे। तो ये चीज जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के जमाने में। अभी का जो सिचुएशन चल रहा है ना मार्केट में, उसको लेके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप HCL में हो तो आप सेफ हो, मतलब आपको निकालेगी नहीं कंपनी। द थर्ड थिंग इज योर इंग्लिश कम्युनिकेशन। यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन इफ यू ज्वाइन HCL, देन यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन बिकॉज यू हैव टू कम्युनिकेट विद द फॉरेन क्लाइंट, ओके, विद द US क्लाइंट, UK क्लाइंट, सो यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश ओनली। सो दैट्स वाई यू विल एबल टू कम्युनिकेट, यू विल एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी गुड, इन वेरी गुड मैनर, इन फ्लुएंटली आई कैन से दैट, बिकॉज लॉट्स ऑफ द कैंडिडेट हैविंग इश्यू विथ इंग्लिश कम्युनिकेशन, ओके, दे कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सो इन दिस प्रोजेक्ट, इन दिस प्रोसेस, सर्विस टेस्क, यू विल एबल टू कम्युनिकेट, यू विल एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली बिल्कुल फ्लुएंटली बोल सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। यू हैव टू वर्क फॉर 1 ईयर ओनली। आप 1 साल काम करो, ठीक है, अप्रेजल लो, निकल जाओ दूसरे कंपनी में जाओ, जो भी पैकेज है ना उससे दुगना पैकेज मिलेगा सर्विस डेस्क में ही। सो ये सारी चीजें कोई बताएगा नहीं, आप यूट्यूब पे देख लो, किसी पे नहीं बताया ये बातें। मैं जो बता रहा हूँ वो इंटरनली बातें बता रहा हूँ, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। अगर नहीं किया तो लाइक कर दो यार, तो मैं नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो
बेनिफिट है वो बताता हूँ। द नेक्स्ट बेनिफिट इज टेक्निक, लाइक यू कैन इम्प्रूव योर टेक्निकल स्किल। यू विल गेट सो मेनी कोर्सेज और यू विल गेट लिंक्स फॉर सो मेनी कोर्सेज। ओके, यू कैन डू AWS, यू कैन डू Salesforce, यू कैन डू Azure इन इंटरनल। सो ये सब भी मिलेगा आपको, मतलब कि आपको इंटरनली बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स है वो सीखने को मिलेंगे। आप उसको सीखो और उसके बाद इंटरनली भी स्विच कर सकते हो और उसके बाद आप बाहर भी जा सकते हो। आपको सीखना इंपॉर्टेंट है। आप अगर AWS या फिर आप Azure सीखते हो या फिर आप Salesforce सीखते हो इंटरनली, सारा कुछ मिलता है, आप सीख सकते हो। आपको बीच बीच में ईमेल्स आते रहेंगे कि हमारे पास ये वैकेंसी है, अभी हमारे पास ये जो स्किल्स है ये हम डेवलप कर रहे हैं, इसका क्लासेस चालू है, इसका प्रैक्टिकल चालू है, तो ये सब आपको मिलते रहेगा। आप वो भी कर सकते हो ज्वाइन, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट है जो कि ऑलमोस्ट सभी MNC कंपनी में मिलती है, तो HCL में भी मिलती है, ठीक है। तो ये आप इंक्लूड कर सकते हो उसमें। और जो लास्ट, ये लास्ट है, जो लास्ट वाला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट जो बेनिफिट है वो है प्रमोशन। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, देखो मैं जो भी बोल रहा हूँ ना वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट में ना बहुत ही जल्दी प्रमोशन हो जाता है बिकॉज वहाँ पे कैंडिडेट्स कम है, वहाँ पे लोग कम है, वहाँ पे छोड़ के ज्यादा जा रहे लोग, तो वहाँ पे जो पुराने लोग है वो कम है। आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको तुरंत वो L2 में डाल देंगे, TL में TL बना देंगे, टीम लीड बना देंगे, तो स्कोप है। बट अगर आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे 50-100 बंदे हैं तो वहाँ पे थोड़ा कम स्कोप है, लाइक वहाँ पे टाइम लगेगा आपको, मतलब कि प्रमोशन वगैरह मिलने में। बट जहाँ पे जैसे मैं जिस प्रोजेक्ट में हूँ वहाँ पे कम है, तो वहाँ पे चांस है। तो अगर आप करते हो अच्छा, बिल्कुल मिलेगा आपको, तो प्रमोशंस के जो चांसेस है ना वो बढ़ जाते हैं उसमें। अब बहुत सारे ऐसे है ना जो प्रोजेक्ट, जिनको प्रोजेक्ट इतना गंदा मिला है, तो वहाँ पे कुछ नहीं, जितनी बातें मैंने बताया वहाँ कुछ नहीं उनको मिलता। तो इसका मतलब ये नहीं कि सच हर प्रोजेक्ट ऐसा है, 10 में से 1-2 प्रोजेक्ट ही वैसा है। और अगर वहाँ पे ऐसा होता है तो वो उनकी किस्मत है, बाकी जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी तो यार मतलब अच्छी चीज़ें थी HCL में ज्वाइन करने के बाद की। तो अभी थोड़ा ना कुछ गलत और बुरा जो भी है HCL में वो बात कर लेते हैं। बुरी चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज़ में ना, देखो अच्छा बुरा दोनों होता है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें बता दी, अभी बुरी चीज़ें बताता हूँ। बुरी चीज़ें में ना सबसे पहला जो है ना, मेरे को सबसे पहला जो लगता है ना वो है नाइट शिफ्ट। क्योंकि US शिफ्ट है तो यार नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा। नाइट शिफ्ट का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, क्या इशू होता है ना, मैं उसके लिए वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हो। लेकिन ये प्रॉब्लम है यार, बहुत प्रॉब्लम है, नींद वींद में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप आँखों के नीचे ना डार्क सर्कल्स आते हैं, मेरे तो नहीं आए क्योंकि मैं नींद पूरा करता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है तो यार मत करो नाइट शिफ्ट करना, अगर मुश्किल है तो मत करो, तबीयत खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप कंफर्टेबल हो नाइट शिफ्ट में तो करो, बट ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, आप ज्वाइन करोगे ना 1-2 महीने बाद लगेगा यार क्या कर रहा हूँ मैं नाइट शिफ्ट। सो डोंट डू दैट, ओके, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन नाइट शिफ्ट। द सेकेंड बैड थिंग इज शिफ्ट अलाउंस, नाइट शिफ्ट अलाउंस। ओके, सो HCL इज प्रोवाइडिंग ओनली 100 rupees फॉर नाइट शिफ्ट अलाउंस, ओनली 100 फॉर वर्किंग नाइट डेज, 30 days इन अ मंथ, बट यू विल गेट ओनली 20 to 21 days। ओके, सो यू विल गेट ओनली 2,000 or 2,100 rupees ओनली, 2,000 or 2,100 मिलेंगे आपको, मतलब 100 rupees पर डे के हिसाब से। बाकी कंपनी जो है वो 300, 350, 400 नाइट शिफ्ट अलाउंस कर 500 भी दे रही है। बट HCL ना इसमें बहुत ही ज़्यादा वीक है, उसको ना कम से कम 200-300 तो देना चाहिए। दिल्ली में तो शायद मिलता भी नहीं है, बट नागपुर लोकेशन पे मिल रहा है अभी, शायद लखनऊ में भी मिल रहा है। तो बट 100 rupees यार बहुत कम हो जाते हैं, एकदम चिंदी वाला काम हो जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे जो भी हो, लेकिन ये बहुत ही बुरी बात है। नाइट शिफ्ट करते हैं बंदे काम, तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको 200-300 तो मिनिमम मिलना चाहिए, 300। मैं ऐसा चिंदी गिरी नहीं कर रहा हूँ, बट ये फैक्ट है यार, जो फ्रेशर ज्वाइन करते हैं उनकी सैलरी कम होती है, बट अगर नाइट शिफ्ट अलाउंस अच्छा मिलता है तो उनका मैनेज हो जाता है, वहाँ पे मैनेज हो जाता है। अगर 12 मिला तो 300 rupees भी हुआ तो आप जोड़ लो ना, 6,000 तो ऐसे हो जाते, 18,000 हो जाएंगे यार। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ कि ये बहुत कम है। जिसकी सैलरी अच्छी है तो उनके लिए ठीक है, बट पैसे यार जितना है उतना अच्छा है, किसको ज्यादा लगता है, किसी को ज्यादा नहीं लगता। तो मुझे ये बैड थिंग लगता है HCL का कि 100 नहीं, कम से कम 300 तो दो यार, है कि नहीं। आप क्या सोचते हो, आप कमेंट में बताओ, आप क्या सोचते हो, मतलब मिलना चाहिए बढ़ा के या जितना मिल रहा है उतना अच्छा, आप कमेंट में बताओ।
जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बैड थिंग है ना वो है कॉलिंग। अब कॉलिंग में बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है ना, मैं जिस प्रोजेक्ट में हूँ उसमें कॉलिंग कम है, ठीक है, बहुत ही कम है। बट इसी का कुछ आपको ऐसा है, कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है बहुत सारे कॉल्स है, जनरल इश्यूज के कॉल आते हैं, लेकिन ऐसा कॉल सेंटर जैसा कॉल आता, रखो एक दूसरा, रखो एक दूसरा, भले ही वो दो दो मिनट का कॉल रहेगा और बहुत सारा कॉल आता, तो ये आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखो। अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन कॉलिंग देन यू शुड ज्वाइन SCL, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन प्लीज डोंट ज्वाइन SCL, बिकॉज आपको नहीं पता है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन किया तो आपको वही प्रोजेक्ट मिलेगा जिसमें मैं हूँ या फिर जिसमें आपके कलीग है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रोजेक्ट में वैकेंसी जब रहेगी तभी मिलेगी, वो आपके किस्मत पे है आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिल गया। अगर आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया जिसमें बहुत सारे कॉलिंग्स है तो भाई आप तो गए, फिर वो प्रॉब्लम होगा, तो उसको आप टैकल करो। बट मैं बताता हूँ कि आप एक महीने कर लो, एक महीने करने के बाद आपको आदत हो जाएगी, आपको ये कॉल लेने की, कैसे कॉल लेना है, क्या करना है, ये आदत हो जाएगी, फिर अच्छा लगने लगेगा। बट आपको एक से दो महीने ना करना पड़ेगा यार, उसके बाद फिर आप एडजस्ट हो जाओगे। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि कॉलिंग जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। इसमें चैट वाले जो हैं वो भी उतना अच्छा नहीं कर रहे, लाइक कर रहे हैं मतलब चैट में भी उतना सही नहीं है। एक साथ तीन तीन चार चार चैट करना पड़ता है, आपको पता है, अगर आप सोचते हो कि कॉलिंग से अच्छा चैट है, नहीं भाई, चैट वालों को भी एक एक साथ चार चार चैट आते हैं ना, चारों पे करना पड़ता है रिप्लाई, चारों इंसिडेंट करने पड़ते हैं, तो वो भी इतना इजी नहीं है। मेरे को तो कॉलिंग से ज़्यादा टफ चैट लगता है, कॉलिंग तो भी ठीक है, तो ये कॉलिंग जो है ना वो बैड लगता है मेरे को। बट है यार अभी वो तो देख लो आप, वो अगर आप कंफर्टेबल हो तो करो, नहीं तो मत करो। एक और जो बैड थिंग है ना वो है कि 18 महीने से पहले यार किसी टेक्निकल में शिफ्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर आपका 18 महीना नहीं हुआ है, लाइक आपने ज्वाइन किया और 18 महीने हो गए तब आप स्विच कर सकते हो। अभी कुछ कुछ प्रोजेक्ट में 18 है, कुछ कुछ में 2 साल है, कुछ कुछ में 24 महीने है, तो उसके पहले आप स्विच नहीं कर सकते हो। मतलब किसी टेक्निकल में आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो या फिर आप किसी प्रोसेस में जाना चाहते हो, आप स्विच नहीं कर सकते हो जब तक आपको खुद से ना भेजा जाए। तो ये एक बैड थिंग है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी लाइक हम 6 महीने में भी स्विच करें ऐसा होना चाहिए। कुछ कुछ कंपनी में है कि आप जा सकते हो, अपना अपना टैलेंट दिखाओ और जाओ, बट यार यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है और ये मुझे बहुत ही बेकार लगता है, लिटरली बहुत बेकार लगता है। जो लास्ट वाला सबसे गंदा है ना वो मैं बताता हूँ कि मतलब मैंने खुद झेला है ये, कि मेरे साथ खुद बहुत ही गंदा हुआ है, लाइक 2 से 3 बार हुआ है ऐसा। ये जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये HCL का बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है मेरे साथ, कि ये होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए भाई। 3 महीने का नोटिस पीरियड, मैं बता देता हूँ कि मेरे को ना कम से कम 4 से 5 कंपनी का ऑफर आया जिसमें अच्छा खासा पैकेज मिला था, लोकेशन हैदराबाद, बेंगलोर या फिर पुणे था, बट पैकेज बहुत, मतलब मैं पैकेज बता भी दूँ तो 8-9 लाख का पैकेज मिला था। बट मेरा सब कुछ होने के बाद भी क्यों रह गया, सिर्फ और सिर्फ नोटिस पीरियड की वजह से। मतलब मेरा नोटिस पीरियड 3 महीने का था, उनको 1 महीने, भले ही उनका नोटिस पीरियड, उस कंपनी का नोटिस पीरियड 3 महीने का हो, लेकिन उनको बंदे चाहिए 1 महीने के लिए, मतलब लाइक 1 महीने में ही बंदे चाहिए, तो इस केस में प्रॉब्लम हो जाता है। HCL जो नागपुर HCL की बात कर रहा हूँ, 3 महीने आपको सर्व करने ही पड़ेंगे, इवन आप पैसे दे के भी नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको 3 महीने करना है, नहीं तो फिर वो एब्सकॉन्ड कर देंगे, आपको फिर एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा, आपका पूरा 1 साल 2 साल जो भी आपने किया बेकार जाएगा। उसकी वजह से मैंने यार खुद ने 2-3 कंपनी का इंटरव्यू सब कुछ होने के बाद ये जो नोटिस पीरियड है ना उसकी वजह से मैंने छोड़ा है जॉब, नहीं गया मैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा बैड जो है ना, बहुत ही बोल सकता हूँ मैं कि बहुत बेकार चीज़ है HCL का। यस, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई HCL वाले देख रहे हैं ना, मैनेजर, तो प्लीज़ यार इस पे ध्यान दो, HR अगर देख रहे हैं तो इस पे ध्यान दो, और प्लीज़ ये 3 महीने का जो है उसका कुछ तो निकालो, कुछ तो सॉल्यूशन निकालो, कि इंसान अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो सबको बढ़ने का हक है, आगे सबको बढ़ना चाहिए, तो अगर कुछ मिल रहा है तो वो जा सके, इसकी वजह से रुक जाता है इंसान, तो ये एक बुरी चीज़ें हैं। और यही सारी चीज़ें ना मैं शेयर करना चाहता था, मेरा पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस जो है ना वो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था, और मैंने बता दिया भाई यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह बहुत मिलता है, जितना कॉफ़ी पीना है पियो, जितना चाय, जितना दूध पीना है पियो, सब मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और नाइट शिफ्ट वाले का जो खाने का है ना वो बहुत ही गंदा है, लाइक 8 बजे खाना मिलता है, उसके बाद खाना मतलब
ठंडा खाना मिलेगा बिल्कुल। 8 बजे अगर आप जाते हो तो गर्म, अगर आपकी शिफ्ट 7 बजे से शुरू होती है शाम से, आपको सुबह के 5 बजे तक रहना है, 5:30 बजे तक, तो आप 8 बजे ही खा लो, फिर पूरी रात स्नैक्स वगैरह जो भी है वो हल्दीराम के जो है ना वो लगे रहते हैं, वही से काम चलाना पड़ेगा यार। बहुत बहुत बड़ा इशू है ये, हो जाएगा इम्प्रूव, बट अभी तो बहुत ही बड़ा इशू है ये, मुझे मुझे बहुत ही बेकार लगा। बाकी HCL कंपनी एज अ फ्रेशर अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए बहुत ही बेस्ट है, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी बेस्ट है, बट 1-1.5 साल करो और निकलो और दूसरी जगह देखो, अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस करो, अच्छा अच्छा रैंक, लाइक अच्छा परफॉर्मेंस लाओ, QA में अच्छे मार्क्स लाओ, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, प्रमोशन लो और निकल जाओ, ठीक है। तो यही एक था, मुझे शेयर करना था लोगों के साथ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मैंने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर किया वो पसंद आया होगा आपको। तो ऐसे ही वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसको जितना उसके शेयर करो, और आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है आप बेफिक्र होके मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे भी जो भी है वो मैसेज करो, मैंने पूरा डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ आराम से कभी भी, ठीक है। बस ये फालतू के क्वेश्चन मत पूछना, रेंट कहाँ पे, रूम कहाँ पे मिलेगा, HCL के पास में रूम है क्या, भाई रूम वगैरह कैसे मैं बताऊंगा, बताऊं मैं, मेरे को पता रहेगा तभी तो। बहुत सारे लोग पूछते हैं रूम कहाँ, रूम्स कहाँ पे मिलेंगे, है ना, खाने का कुछ है क्या, वहाँ पे रहने का कुछ है क्या, भाई ये सब चीज़ें मत पूछो यार, टेक्निकल जो जो चीज़ें पूछनी है ना एग्जैक्ट वो पूछो। बाकी हर टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है, आप जाओ आप देखो, आपको पूरा समझ में आएगा, कोई भी इशू है आप कमेंट करो, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, ठीक है। यही था आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।